तो हेलो दोस्तों, श्री स्वयं नमस्ते हर हर महादेव। स्वागत है हमारे चैनल हन भाई हर्ष पर। आप सभी को यह खबर देते हुए बहुत खुशी है होगी। खबरी गुरुजी की आगामी कथा 6 मई 2024 से प्रारंभ होने वाली है। इस कथा में पहले से बहुत बदलाव आ चुके हैं। इस कथा समय भी बदलाव के समय भी बदल चुका है और यह जो कथा दोपहर में होती थी अब यह कथा दोपहर में नहीं होगी। यह जो कथा दोपहर की बजाय सुबह सुबह होगी। तो गुरु जी की इस कथा में क्या क्या बदलाव किए गए हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जाकर सब्सक्राइब करें। तो यह कथा 6 मई से शुरू होगी और 12 मई 2024 को समाप्त होगी कि इसका कथा स्थल है महाराष्ट्र। और दोस्तों अभी महाराष्ट्र के कौन से जिले में कथा होगी यह डिसाइड नहीं किया गया है। उसको जब डिसाइड हो जाएगा दोस्तों तो आपको हम यह जरूर बता देंगे। इस बार की जो कथा है उसमें समय में बड़ा बदलाव आने वाला है, जो कि यह जो कथा है जो मई के महीने में होने वाली है। और मई में दोस्तों बहुत ज़्यादा ही हाई टेम्परेचर और धूप रहता है। मई के महीने में 40 से 45 डिग्री का तापमान हो जाता है। तो इसलिए गुरुजी ने सोचा है कि इस कथा को सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रखा जाएगा, क्योंकि मई के महीने में कथा होने से शिव भक्तों के लिए और गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के लिए भी आने एकदम मुश्किल हो जाता है। गुरुजी ने यहाँ सब समिति के साथ मिलकर यह निर्णय लिया है, क्योंकि अब कथा सुबह किया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक डिसाइड नहीं है कि टाइम क्या है, बट 12 बजे से पहले यह कथा को समापन करने का विचार किया गया है। तो दोस्तों यही कथा के समय के बदलाव किया गया है, क्योंकि यह कथा सुबह ही कर दिया गया है। दोस्तों आप बताइए कि यह गुरुजी ने अच्छा किया है कि नहीं किया, कमेंट प्लीज़ बताइए की कथा को सुबह रख कर, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा शिव भक्तों पर ज़्यादा शेयर करें और कमेंट दोस्तों हर हर महादेव श्री सहनमस्त आवेश लिखिए।